कल आया था सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 का रिजल्ट। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि आईसीआई का रिजल्ट आपने देखा होगा कि 30% ही पासिंग परसेंटेज है, यानी 70% बच्चे क्लियर नहीं कर पाए। सबसे पहली चीज़ बच्चों, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर निराश होने की या हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कोर्स में जब आपने एडमिशन लिया था आपको पता था कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें कभी भी 100% पासिंग परसेंटेज नहीं होती। ये कोई क्लास 12th का एग्ज़ाम तो है नहीं कि बस आपने एग्ज़ाम दिया और आपको पता है पास तो हो ही जाएंगे और सिर्फ 90-80 लाने की फ़ाइट है, ऐसा नहीं, प्रोफेशनल एग्ज़ाम है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जून के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को वापस से खड़ा करना पड़ेगा। और हार मारने की या हताश होने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप वापस से बैक ऑन ट्रैक तो आओगे ही, लेकिन जितना देर से आओगे तो उतने दिन आपके वेस्ट होंगे, जितना जल्दी आओगे उतना ही आप अपने आप को वापस से अच्छे से खड़ा कर सकते हो। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले बच्चों, जो आपने पिछले अटेम्प्ट में गलतियां करी हैं उसको आज एनालाइज करो, उसको देखो कि किन गलतियों की वजह से आपके मार्क्स कम रहे। सबसे पहले नोट डाउन करो, मैं आपको तरीका बताता हूँ, उस सब्जेक्ट के मार्क्स जो आपके सबसे कम आए हैं। लेट से आपके लॉ में सबसे कम नंबर आए, तो आपको अपने लॉ पे ही अब ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट में देखो आपके कितने नंबर आए होंगे, 20 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर या 40 भी आए होंगे। और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स बाकी सब्जेक्ट में शायद 50 भी आए हों या ज़्यादा भी आए हों, लेकिन शायद एक सब्जेक्ट में कम रह गए या ओवरऑल कम रह गया। तो आपको सिर्फ बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है, आप ये समझना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने मन से ये भय, ये डर निकाल देना, मेरी बात याद रखना कि हम पहले ओल्ड कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे, अब तो ये न्यू कोर्स आ गया होगा हमारे अटेम्प्ट में, तो अब कैसे होगी तैयारी। देखो फैक्ट बता रहा हूँ, 85% आपका सिलेबस सेम है, सिर्फ 15% थोड़ा सा ऊपर नीचे। हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, मैथ्स में तो मेजरली कुछ भी नया नहीं है। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो उसमें आप मानो कि मेजर चेंज इकोनॉमिक्स में है, क्योंकि बीसीके का पोर्शन हट गया आपके लिए, लेकिन मैक्रो नहीं है, इंडियन इको नहीं है, पर आप वो 12th में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो। अकाउंटेंसी की बात करूं तो उसमें 80% सेम है, सिर्फ एक दो चैप्टर्स के अंदर थोड़ा सा एडिशन है। और लॉ में बात करूं तो उसमें आपके दो छोटे छोटे से नए एक्ट्स आपको पढ़ने पड़े हैं, बीसीआर हट गए। अब होगा क्या कि आप अपने दोस्तों से या इधर उधर मार्केट में ज़्यादा सुनोगे तो लोग आपको शायद डराएं, या आपको ऐसा लगे खुद से कि यार बहुत चेंज हो गया, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, विश्वास मानना मेरी बात का, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ओल्ड कोर्स की जो पढ़ाई आपने करी थी आप 80% समझ लो सेम है, सिर्फ आपको 20% हल्का सा मॉडिफिकेशन करना है, बिल्कुल भी कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो आपके लिए क्या है कि अब आपको जून के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उसके लिए अब आप ये गांठ बांधो कि आपको अपने बचे हुए फरवरी और मार्च और अप्रैल, यानी कि आपके पास जो लगभग 75 डेज़ हैं, उसमें अपना पूरा अच्छे से कोर्स एक बार कंप्लीट करना है। इन 75 डेज़ के अंदर आप किस तरह से देखो कोर्स कंप्लीट करना, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट डेली आपको करना है, वो है अकाउंट्स का, क्योंकि वो मेन सब्जेक्ट है। और दूसरा आपको डेली करना है वो सब्जेक्ट जिसके मार्क्स आपके सबसे कम आए, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लॉ में जो ओवरऑल रिजल्ट मैंने देखा उसमें लॉ में ही आपके शायद मार्क्स सबसे कम होंगे, बाकी आपके अपने ऊपर है, क्या पता मैथ्स हो, क्या पता इको हो। लेकिन एक सब्जेक्ट आपको अकाउंट्स डेली करना है, और जो सबसे आपका वीक सब्जेक्ट था, मैं लॉ लिख रहा हूँ लेकिन आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, इसको आपको बच्चों डेली करना है। और रिमेनिंग टू सब्जेक्ट्स को आप अल्टरनेटिव डेज पर कर सकते हो, इसमें क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा बड़ा है तो उसको आप 4 days a week चलाओ, और इको थोड़ा सा छोटा है कंपैरेटिवली तो 3 days a week चलाओ, तो ये हो गए आपके हफ्ते के 7 दिन। तो दो सब्जेक्ट्स डेली चलेंगे और दो सब्जेक्ट्स में अल्टरनेटिव डेज में आप चलाते रहोगे, तो डेली इन टोटैलिटी आप 3 subjects की पढ़ाई करोगे। तो उसको आप डिवाइड कर लेना 4 घंटे, 3 घंटे या 3 घंटे, इस हिसाब से लगभग अब 10 घंटे की आप इनपुट देने की कोशिश करो अपनी पढ़ाई में। अब अप्रैल तक जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास अच्छा टाइम रहेगा रिवीजन करने के लिए, जिसमें आप मान लो कि मई में आप रिवीजन करते हो पूरा महीना, और जून में भी आपके एग्ज़ाम एंड में है, तो इस रिवीजन के दौर में आप एक बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हो, आप MTP, RTPs एक एक प्रैक्टिस कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज़ अगर आप कहीं से देख सकते हो या टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो, 2 या 3 मॉक पेपर भी आपने सॉल्व कर लिए तो आपका काम हो जाएगा ईजिली, आप कर लोगे क्लियर, है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अब आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब वापस से खड़ा होना है। आज ही से इस प्लान को लिखो, अपना टारगेट लिखो, टाइम टेबल लिखो, आपको लगता है हेल्प चाहिए आप मुझे मैसेज करो,
इंस्टाग्राम पर करो, व्हाट्सएप पर करो, यूट्यूब पर कमेंट करो, कहीं पर भी करो, मुझे पकड़ो, मुझे मैसेज भेज दो, फोटो भेज दो अपने टाइम टेबल की कि सर देखो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। मैं जितनी हो सकेगा, ऑब्वियसली देखो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आएंगे या आते भी हैं तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, कोशिश करूँगा चाहे जितनों का भी करूँ, अगर किसी एक की भी मदद हो जाएगी तो मेरे लिए तो वही बहुत है। तो आप लेकिन आज ही अपना टाइम टेबल बनाओ, इस शेड्यूल को फॉलो करो। अब आता हूँ देखो रिसोर्स पर, ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। अगर आपने देखो पहले क्लासेस ले रखी हैं कहीं से भी, कोई सी भी, यानी कि आपने ट्यूशन पढ़ रखा है, तो मेरे हिसाब से अब आपको दोबारा से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारा मटेरियल होगा, सारी चीज़ें खुद की लिखी हुई होंगी, नोट्स होंगे, ICAI की बुक तो है ही है, और न्यू बुक आप PDF फ्री डाउनलोड कर ही सकते हो ICAI की। अब जो रिमेनिंग 20% थोड़ा सा नया पोर्शन भी है जो आपको पढ़ना है, वो ऐसा है कि आप YouTube से आराम से कवर कर सकते हो, और थोड़ा सा उसके बाद बुक से अपनी प्रैक्टिस कर ली तो कवर हो जाएगा या उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें ज़्यादा कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो हमारी तो नई प्लेलिस्ट ऑलरेडी चली रही है, तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ आप उस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लो तो सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आपने पहले क्लासेस ले रखी हैं तो दोबारा से क्लास लेने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लो आपको लगता है कि मेरे मार्क्स वाकई में बहुत कम थे, या मैं किसी भी रीज़न से मैं पढ़ ही नहीं पाया था, या मतलब मेरे तो मार्क्स बहुत कम है और मेरे को तो नॉलेज ही नहीं है, और मैं शायद यूट्यूब से भी खुद से ना पढ़ पाऊँ, अब मुझे तो क्लासेस का सहारा लेना ही पड़ेगा, तो फिर आप उस एंगल में ही या उस सोच पे अगर हो तो ही क्लासेस को लेना, मतलब वो आपकी चॉइस है, मैं कहूँगा नहीं कि लो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप नहीं भी लेते हो तो आराम से आप क्लियर कर लोगे। बाकी अगर आपको हमारी क्लासेस लेनी है तो हमारा ऑलरेडी बैच, क्योंकि जून का चल रहा है, पहले से चल रहा है, जिसमें हमने काफ़ी पढ़ाई कर भी ली और काफ़ी अभी हम कर रहे हैं, मतलब तो रास्ते में है। लेकिन मेरी कोशिश होगी, अगर आप रिपीटर हो, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए थे और दोबारा से आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो ट्यूशन लेनी ही है, मुझे तो क्लासेस लेनी ही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर देंगे, हम आपसे पूरी फीस चार्ज नहीं करेंगे। उसके लिए आप हमारे ऑफिस पे एक बार कॉल कर सकते हो, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज मेरी फिर भी यही राय है, मैं फिर से डंके की चोट पर कह देता हूँ आपको कि आप हमारी YouTube प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो। तो मैं अपनी तरफ से तो ये श्योरिटी देता हूँ कि कहीं कोई मिसिंग नहीं होगी, आप अच्छे से क्लियर कर लोगे। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोचिंग का या क्लासेस का सहारा चाहिए, थोड़ी सी एडिशनल प्रैक्टिस, एडिशनल बेनिफिट और एडिशनल एक डिसिप्लिन फैक्टर मेरा आ जाएगा, तो फिर आपकी चॉइस है। ये तो हो गई जी CA फाउंडेशन वाले बच्चों की बात जिनका क्लियर नहीं हुआ। अब उन बच्चों पर बात करता हूँ जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप बधाई के पात्र हैं, और भगवान से यही दुआ करूंगा कि जिस तरह से आपने फाउंडेशन क्लियर करा उसी तरह से आप अपने आगे की जर्नी को भी क्लियर करें। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को घर बैठे बैठे शाबाशी दे दो कि डेफिनेटली आपने एक अचीवमेंट हासिल कर ली है। लेकिन हैविंग सेड दैट, CA फाउंडेशन में जो आपने मेहनत करी है वो अगर ये ब्लैक लाइन से डिनोट करूँ तो CA इंटर के अंदर आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो उस रेड लाइन से डिनोट करूँगा, यानी कि जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है CA इंटर और CA फाउंडेशन की मेहनत, सिलेबस और पेपर पैटर्न सब कुछ के अंदर। तो अगर आप अब CA फाउंडेशन क्लियर कर चुके हो तो 2-4-5 दिन इन्जॉय करो, वो भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बस आज ही से अपना पागल हो जाओ, थोड़ा सा इन्जॉय करो, आपने एक अच्छा ही चीज़ अचीव करी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ आज पार्टी करो, कुछ भी करो, अपने टीचर्स के साथ जाकर उनकी ब्लेसिंग्स लो, इन्जॉय करो, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर आपको आगे की जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है। ऑब्वियसली आगे की जर्नी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, बोथ ग्रुप्स करें, सिंगल ग्रुप्स करें, जिस पर मैं आपको अलग से भी वीडियो में गाइडेंस दूंगा। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में मेरा मकसद ये था कि मैं आपको कुछ बेसिक बात बता सकूं, एटलीस्ट अपने बारे में और हमारी RKG इंस्टीट्यूट के नए बैचेस के बारे में। अब देखो CA इंटर का जो बच्चों आपकी प्रिपरेशन होगी, मैं उसका एक छोटा सा रोड मैप आपको बता देता हूं। आप नवंबर 2024 में अपना एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो CA इंटर का, जिसमें आपको टोटल 6 पेपर्स पढ़ने हैं, जो मैं वीडियो में भी थोड़ा सा आगे भी आपको समझाऊंगा, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी सारे पेपर्स की, और इनफैक्ट मैं आपको अपनी सारी फैकल्टीज से भी मिलवाऊंगा जो हमारे यहाँ पर आपको पूरे के पूरे CA इंटर की तैयारी करवाने वाले हैं। लेकिन हाँ, आप अब फरवरी से जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो हमारा प्लान ये होता है कि हम आपको, और मैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच चलता है उसमें और ऑनलाइन बैच जो चलता है लाइव एट होम, दोनों में ही सेम टाइम पर सेम पढ़ाई होती है, तो हम
इस तरह से बच्चों का प्लानर रखते हैं कि 6 मंथ्स में उनका कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं, यानी कि 6 के 6 सब्जेक्ट्स का, और उसके बाद हमारे रिविजन्स और मॉक पेपर्स चलते हैं टिल द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स। तो आप बहुत, मतलब अगर सिस्टमेटिक तरीके से चलते हो हमारे साथ, तो ईज़िली आप अपने नवम्बर तक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हो। अब उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे नए बैचेज हैं वो 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे। ऑब्वियसली आप एक हफ़्ता आपको चाहिए थोड़ा आराम, और वैलेंटाइंस वीक चल रहा है तो 14 तारीख तक तो मुझे पता है सब नौजवान लड़के लड़कियां वैसे ही बिजी रहेंगे, तो इसीलिए 15 तारीख से हम शुरू करेंगे अपने नए बैचेस की नई पढ़ाई सारे ही सब्जेक्ट्स की, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड दोनों में। अब ऑफलाइन में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी मैं डिटेल अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा, और ऑनलाइन के लिए तो सिर्फ आपको RKG CA क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सभी टीचर्स के आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। एक बार देख सकते हो आप कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है, कैसे बोलता है, कैसे कर रहा है, क्या हमें पढ़ाई समझ में आ रही है, एंड एटसेट्रा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सर ये जो 6 पेपर्स हमारे होंगे, ये कैसे कैसे पेपर्स होंगे, इनकी डिटेल्स क्या है। तो बच्चों आगे की वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे कि लंबी हो गई, लेकिन अगर आप वाकई में उन 6 पेपर्स की बारीकी से कुछ डिटेल्स देखना समझना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आपको अपनी हर फैकल्टी से भी इसके अंदर मिलवाने वाला हूं बस थोड़ी सी देर में, जो आपको बताएगी अपने हर रेस्पेक्टिव पेपर के बारे में। और जाने से पहले आपको ये बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो रिलेटिंग टू द बैचेस या रिलेटिंग टू एनीथिंग फॉर CA इंटर, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या फिर नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर देना। आओ तो मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ। अब सर CA इंटर के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स, आपको कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाने वाले हैं, मैं वो थोड़ा सा आपको अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। RKG के अंदर आपको सारे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपकी CA की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा पेपर 1 यानी कि एडवांस अकाउंटेंसी का। इसके अलावा हमारे साथ होंगे CMA अली सर, इसके अलावा हमारे साथ होंगे CS प्रकाश पांडे सर, एंड हमारे साथ होंगे टेक्स एक्सपर्ट अंकुर सर। ये सारे ही फैकल्टी मेंबर्स आपको आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की टॉप नॉच तैयारी करवाएंगे, और इन सब फैकल्टी मेंबर्स के साथ थोड़ी ही देर में मैं आपको मुलाकात भी करवाऊंगा, और जो आपको गाइड करेंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में। अब बच्चों आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि यहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके CA इंटर के जितने भी 6 के 6 पेपर्स हैं उसके बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर पैटर्न अब कैसा कर दिया है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ICAI ने जो सिलेबस चेंज करा है इसकी कुछ बारीकियां मैं आपको बताता हूं। पहले जो CA इंटर का सिलेबस होता था वो कॉलेज जाने वाले ग्रेजुएशन के बच्चे के साथ काफी ज्यादा मैच करता था, यानी कि अगर एक बच्चा ग्रेजुएट है और एक बच्चा CA इंटर कर रहा है तो उसकी पढ़ाई अकाउंट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा सिमिलर होती थी। लेकिन अब नए कोर्स के अंदर जो CA फाइनल में हम पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लीट नॉलेज लिया करते थे, वो पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको अब CA इंटर के अंदर करनी पड़ेगी। अब इसका मेन डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं कि क्या हो गया है। अब जब आप अपने ग्रेजुएशन के अकाउंट सब्जेक्ट की तैयारी करोगे वो काफी कम सिमिलर होगी आपके CA इंटर की अकाउंट सब्जेक्ट की तैयारी से, क्योंकि अब CA इंटर का अकाउंट का सब्जेक्ट अलग हो गया है और काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो गया। इसी तरह हर सब्जेक्ट की गाइडेंस आपको भी थोड़ी ही देर में हमारी सारी फैकल्टीज आकर देने वाली है, तो आप इस वीडियो में बने रहना। पर मैं आपके साथ एडवांस अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपके ग्रुप 1 का जो सबसे पहला पेपर है एडवांस अकाउंटिंग, ये है 100 मार्क्स का। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस नए पैटर्न के अंदर 70 और 30, इस तरह से ICAI ने बोला है कि 30 मार्क्स के MCQ रखे जाएंगे और 70 मार्क्स का नॉर्मल पेपर रहने वाला है। लेकिन उस पेपर को जब बनाया जाएगा तो बड़े ध्यान से देखना, ICAI ने यहां मेंशन करा है लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 का मतलब है नॉलेज बेस्ड, जिसको आप कह सकते हो बेसिक, जिसमें आपको सिर्फ चीजें पढ़नी है या समझ लीजिए रटनी है और एग्जाम में लिखना है। लेकिन जो एप्लीकेशन या एनालिसिस बेस्ड पोर्शन होता है उसका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर मैं आपको पेपर 1 की बात करूं, 5 से 10-15% के नंबर के क्वेश्चन ही आपके नॉलेज बेस्ड होंगे, 85-95% जैसा आप देख रहे हो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है जिसमें आपको पढ़ना डिटेल में पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो पेपर का पैटर्न है आपके एडवांस अकाउंटिंग का। बाकी इसके अंदर मैं ब्रीफ में बता देता हूं, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ ही नया है, कि इसमें आप कंप्लीट स्टडी करते हैं बच्चों अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। यानी कि जब आप ये पेपर पास करते हो या ये पेपर पढ़ते हो
तो आप एक बहुत कॉम्पिटेंट अकाउंटेंट बन जाते हो, आप उस ग्रेजुएट अकाउंटेंट से बहुत ऊपर माने जाओगे, क्योंकि इसमें जो आपको अब नए कोर्स में स्टडी करनी है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की करनी है। तो अब बच्चों मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा अपनी सभी फैकल्टीज से, जो आपको पूरा अच्छे से गाइड करेंगी अपने रेस्पेक्टिव पेपर के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहाँ सीएस प्रकाश पांडे सर, वो आपको पेपर नंबर 2 एंड पेपर नंबर 5 जो पढ़ाने वाले हैं उसकी पूरी कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर देने वाले हैं। तो मैं प्रकाश सर को बुलाता हूं कि प्रकाश सर प्लीज यहां पर आए और हमारे सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट गाइडेंस दें कि किस तरह का पेपर पैटर्न आने वाला है, किस तरह से बच्चों को आप तैयारी करवाएंगे और किस तरह से ये इंश्योर करेंगे कि बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर ले। थैंक यू सो मच सर। बेटा मेरा नाम प्रकाश पांडे, बाय क्वालिफिकेशन में कंपनी सेक्रेटरी LLB और LLM हूँ। बेसिकली आई एम आंसरेबल फॉर योर पेपर नंबर 2 डेट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, और उसके साथ साथ बेटा पेपर नंबर आपका 5 है डेट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। मैं सबसे पहले ऑडिटिंग एंड एथिक्स के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बोलने के लिए बहुत कम चीजें हैं। बेसिकली आपका जो ओल्ड स्कीम था और न्यू स्कीम, इसमें बहुत ज्यादा फर्क इस पेपर को लेकर नहीं है। जैसा कि बच्चे पहले भी कहा करते थे कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो ओल्ड स्कीम में पेपर था वो एक थ्योरेटिकल पेपर है, बट मैं बच्चों से हमेशा बोलता हूं कि जो ऑडिटिंग का पेपर है वो थ्योरेटिकल पेपर विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच है। और क्योंकि बच्चा इसको थ्योरेटिकल समझता है, इसका यही मेन कारण है कि इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो फेल होते हैं बेसिकली ऑडिटिंग के पेपर में। इंस्टीट्यूट ने जब आपके स्कीम को चेंज किया तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के नाम को हल्का सा चेंज करके आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम रख दिया ऑडिटिंग एंड एथिक्स। पहले सीए फाइनल में एक पेपर हुआ करता था प्रोफेशनल एथिक्स का, उस प्रोफेशनल एथिक्स वाले पोर्शन को निकाल के अब आपके इंटरमीडिएट के ऑडिटिंग में ऐड कर दिया गया है। बाकी पेपर लगभग सेम है, ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर 100 मार्क्स का न्यू स्कीम में ये पेपर लॉन्च किया गया है, जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स न्यू एड ऑन भी हुए हैं जो काफी धमाकेदार हैं, जैसे प्रोफेशनल एथिक्स ऐड हुआ है, डिजिटल ऑडिटिंग का एक कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। बाकी समहाउ पेपर लगभग ये ओल्ड स्कीम की तरह है, जिसमें आप लोग ऑडिटिंग प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ऑडिट एंगेजमेंट, बाकी ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर को लेकर कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है अगर आप प्रीवियस स्कीम से कंपेयर करेंगे न्यू स्कीम की। तो इसके बाद जब हम पेपर नंबर 2 की बात करते हैं तो पेपर नंबर 2 ये 100 मार्क्स का पेपर है जिसका नाम है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इस पेपर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। इस पार्ट 1 को रखा गया है 70 मार्क्स में और पार्ट 2 को रखा गया है 30 मार्क्स में। अब यहां पे समझने वाली बात है, सबसे पहले पार्ट बी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो पार्ट बी है 30 मार्क्स, इसमें बेसिकली आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, जो बेसिकली आपको जानकारी देता है कि हमें लॉ पढ़ना कैसे चाहिए। इसके बाद जो दूसरा इसका चैप्टर आएगा वो आएगा जनरल क्लॉजेज एक्ट, जिसमें बहुत सारे एक्ट की डेफिनेशंस के बारे में बेसिकली बात की गई है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू और जनरल क्लॉजेज एक्ट ये आपके ओल्ड स्कीम के लॉ के पेपर में भी था, अदर लॉज में ही था, तो इसमें कोई ड्रास्टिक चेंजेस नहीं हुए हैं, एज इट इज पेपर को उठा के डाल दिया गया है, चैप्टर को उठा के डाल दिया गया है। इसके बाद इसमें एक नया चैप्टर ऐड किया गया है, दैट इज मोस्ट ट्रिमेंडस थिंग्स। एक पेपर हुआ करता है, एक चैप्टर हुआ करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। पहले ये सीए फाइनल वाले बच्चों को पढ़ाया जाता था, फाइनल के चैप्टर को उठा के अब आपके इंटरमीडिएट के अदर लॉज में डाल दिया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में बच्चों से हमेशा कहता हूं कि ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक लॉ माना जाता है हमारे देश का। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक लॉ, इसको अब डाल दिया गया आपके अदर लॉ में। और ये 30 मार्क्स में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, दैट इज द जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 3 चैप्टर 30 मार्क्स, बाय हुक बाय टूक आप देखोगे तो एक चैप्टर का वेटेज 10 नंबर का रहने वाला है, ऐसा देखने में लग रहा है, हालांकि इंस्टीट्यूट ने ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। जहां तक सवाल है ये पार्ट ए दैट इज अ कंपनीज एक्ट एंड LLP, आप यहां पे ध्यान से देखेंगे ना तो पार्ट 1 को भी दो पार्ट में बांटा गया है, एक आपका है कंपनी लॉ और दूसरा आपका है LLP का। अब देखिए आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर कंपनीज एक्ट और LLP के लिए जो 70 मार्क्स है, सर LLP तो हम लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, दोनों में फर्क है। आपने जो फाउंडेशन में LLP किया है उसमें LLP एक्ट 2008 आपने पढ़ा है, लेकिन बकायदा इंस्टीट्यूट ने यहां पर मेंशन किया है कि जो LLP आपके इंटरमीडिएट में है वो अलोंग विद रूल्स है, तो आपने LLP रूल्स 2009 फाउंडेशन में नहीं पढ़ा, वो आपको इंटरमीडिएट में पढ़ने को मिलेगा। और यहां पर जो LLP है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डेप्थ है एज कंपेयर टू फाउंडेशन। जहां तक कंपनीज एक्ट का सवाल है, इसमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं किया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में पहले भी सिचुएशन ये था कि कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 470 सेक्शन है, लेकिन इंटरमीडिएट में इस टोटल 470 सेक्शन में से केवल सेक्शन 148 तक इंटरमीडिएट में डाला गया था। ये ओल्ड स्कीम में भी सेम है, न्यू स्कीम में भी यही है, यानी न्यू स्कीम में भी आपको पूरे कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना 470 सेक्शन, आपको जो पढ़ना है केवल 148, दैट इज ऑडिटर,
ऑडिटर चैप्टर तक आपको पूरे के पूरे इस कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट को पढ़ना है। इसमें इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर और भी ऐड कर दिया है, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इन आउटसाइड इंडिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो जो यहां पर फेमा चैप्टर को ऐड किया गया है, ये चैप्टर बेसिकली पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए होता है या नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए होता है, मतलब ये एक इंटरनेशनल लॉ है। क्योंकि अदर लॉ में आपको इंस्टीट्यूट ने इंटरनेशनल लॉ पढ़ा दिया, इसीलिए कंपनीज एक्ट में उन्होंने एक नया चैप्टर इनकॉर्पोरेट कर दिया कि अगर कोई बंदा कंपनी को आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो ये आपके पेपर का ओवरव्यू है, चाहे वो पेपर ऑडिटिंग हो, चाहे वो पेपर आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का हो। बाकी जब आप आरकेजी टीम के साथ ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कि क्लास की क्वालिटी और हम लोग क्या एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं फॉर योर इंटरमीडिएट। मैं हमेशा बोलता हूं कि इंटरमीडिएट की एजुकेशन ये केवल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन विद क्वालिटी होनी चाहिए। और इस पे फोकस रखते हुए हम लोगों ने हर चीजों पे छोटे मोटे ध्यान दिया, क्योंकि पेपर नया है इसलिए पैटर्न भी नया होगा, इसलिए आपको एजुकेशन को डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ लेना होगा। मैं रिपीट करता हूं, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी। और ये तभी मेंटेन रह पाएगी ना जब आप क्वालिटी को भी साथ में मेंटेन रखेंगे। पेपर नया है, पैटर्न नया है, इसलिए आप सारे बच्चों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी है जो इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के लिए क्रिएट करके दिया है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आप इनकैश तब कर पाओगे जब आप हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए अपने एजुकेशनल जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच प्रकाश सर, आपने बच्चों को सारा गाइडेंस दिया। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि पेपर टू एंड पेपर फाइव किस तरह का पेपर है, और प्रकाश सर की गाइडेंस में आप एक बार जब सर से पढ़ेंगे तो आपको खुद ही वो डिफरेंस फील होगा कि सर एक एक चीज को कैसे बारीकी से आपको समझाएंगे, चाहे वो लॉ हो चाहे वो ऑडिट हो। और ये सब्जेक्ट जो काफी बच्चों को मुश्किल लगते हैं, डरावने लगते हैं, और कई बच्चों को इसमें ऐसा भी लगता है कि हम शायद फेल ना हो जाएं, तो ये सब्जेक्ट ऐसे निकलने वाले हैं आपके लिए जिसमें आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो थैंक यू सो मच प्रकाश सर आपके समय देने के लिए। अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट पेपर होता है ग्रुप वन के अंदर, पेपर नंबर थ्री, जिसे सब कहते हैं कि एक सबसे वास्ट पेपर है, उस पेपर का नाम है टैक्सेशन। शायद आपने थोड़ा बहुत जब मेरे साथ क्लास 12th में पढ़ाई करी हो, या वैसे भी अगर कभी पढ़ाई करी हो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने गवर्नमेंट बजट चैप्टर पढ़ा हो, तो आपको ये तो याद होगा कि टैक्स दो तरह के हुआ करते थे सर, एक होता था डायरेक्ट टैक्स, एक होता था इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब वो समय आ चुका है बच्चों आपके सीए इंटर के अंदर, अगर आप देखो थोड़ा सा तो ये पेपर नंबर थ्री जो है ये पूरा का पूरा टैक्सेशन का पेपर है। और आपको टैक्सेशन की जो तैयारी करवाएंगे वो हमारे आरकेजी के चहेते अंकुर अग्रवाल सर करवाएंगे, यानी कि हमारे टैक्स एक्सपर्ट, जो पूरा अच्छे से आपको टैक्स की एक एक बारीकियां सिखाएंगे। तो मैं अंकुर सर को अब चाहूंगा कि वो आए और आप बच्चों को थोड़ा सा गाइड करें सीए इंटर के इस टैक्स पेपर के बारे में। तो अंकुर सर प्लीज बच्चों को गाइड करने के लिए आप आइए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो सीए इंटर में पेपर नंबर थ्री जो आप मेरे साथ तैयार करेंगे, इंस्टीट्यूट ने उसे दो पार्ट में बांटा, जैसे आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक पार्ट है आपका पेपर 3A और एक है 3B। सर दो पार्ट में बांटने का पर्पज ये है कि पेपर ए जो आपका है वो आपका इनकम टैक्स लॉ का पेपर है, यानी कि आपको इसमें पढ़ना है डायरेक्ट टैक्स। जैसा आपकी सर ने आपको बताया, आप जानते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो तरह के टैक्सेस हमारे देश में चलते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स जो आपका अब एग्जाम में आएगा वो आएगा आपका सर 50 मार्क्स का, यानी पूरा डायरेक्ट टैक्स जो आपका सीए इंटर में कवर है वो 50 मार्क्स में कवरेज होगी आपकी। और जो सबसे नया और सबसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट है हमारे देश का, जिसको आप जानते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कवर करता है हमारे देश के इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर को, तो आप इसको पढ़ेंगे 50 मार्क्स में, यानी कि 50 मार्क्स का पार्ट ए और 50 मार्क्स का पार्ट बी। तो आपका टोटल टैक्सेशन का पेपर होता है यहां पर 100 मार्क्स का। और जैसा इंस्टीट्यूट ने अभी अभी बता के दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज या जो नॉलेज होगी हमारी, वो अगर आप देखें डायरेक्ट टैक्स में 15-20%, यानी कि बहुत ही कम पोर्शन है, और 95% तक आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, एनालिसिस, जिसको आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यानी कि डायरेक्ट टैक्स में हम जो भी पढ़ेंगे वो बिल्कुल आपके मैथ्स और अकाउंट्स की तरह आपको सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चन, यानी कि रजिस्टर भरने के लिए तैयार हो जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। यानी कुछ भी थ्योरी में नहीं होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सब कुछ आपको सॉल्यूशन, यानी कि आपको सब कुछ लिख के करना है। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, जिसमें जीएसटी आप पढ़ेंगे, तो आप देख रहे हैं 45% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। रीजन बीइंग, लॉ के तरीके से ही ये भी आपको थोड़ा थ्योरिटिकल मिलेगा, लेकिन इसमें जो नॉलेज पूछी जाएगी 85% लगभग आपसे एप्लीकेशन बेस्ड पूछी जाएगी,
जिसे आप फाउंडेशन लेवल पे कह सकते हैं केस स्टडी बेस क्वेश्चन, यानी कि एक सिनेरियो बना के दिया जाएगा जीएसटी का, फिर आपको बताना है उसमें उस बंदे को जीएसटी के अंदर किस प्रोसेस से अपना काम पूरा करना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पोर्शन को कवर करते हैं, नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस्ड तरीके से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने पढ़ने से पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रखा है अपने परिवार से, अपने घर से, कि आपके मम्मी पापा चाहे बिजनेस करते हो जॉब करते हो, आपको पता होगा घर में सब एक बात करते हैं, भैया पैसे आ रहे हैं तो सरकार हमसे क्या ले रही है, टैक्स तो ले रही है। यानी टैक्स एक इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो आपके घर के आसपास आपको मिलने वाला है, हर तरीके का टैक्स आपको मिलने वाला है। और एक टैक्स आप खुद देते आए हैं, क्योंकि आप सब भूख लग रही है तो कहां जा रहे हैं सर, मैकडी जा रहे हैं। तो मैकडी में आपने ऑब्जर्व किया होगा 100 रुपए का आपने हैप्पी मिल लिया, 5 रुपए का उस पर जीएसटी लगता है। यानी जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं, घर वाले इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। तो जितना भी टैक्स का कोर्स है वो आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका होने वाला है इनकम टैक्स और जीएसटी। एक्चुअली में उसी की ही नॉलेज आप अपने आसपास, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, और सीए बनने के बाद तो इसी का मेजरली काम सीए जो लोग होते हैं वो टैक्सेशन को करते हैं। तो उम्मीद है बहुत मजा आएगा टैक्स पढ़ने में। तो मैं मिलूंगा आपको पेपर नंबर 3 के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू सो मच अंकुर सर, आपने बच्चों को जो गाइडेंस दी पेपर 3 के बारे में। तो आई होप बच्चों आपको भी पता लग गया होगा कि पेपर 3 में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरह के टैक्स पढ़ने हैं। और अंकुर सर के साथ उनकी रंग बिरंगी किताबों के साथ जब आप रजिस्टर्स भरोगे जैसा सर ने कहा, तो फिर आपको टैक्स का ये पूरा विशाल जो पेपर है ये बहुत आसान लगेगा, और बिल्कुल डेफिनेटली आप इस पेपर को भी अच्छे से क्रैक कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच अंकुर सर बच्चों को गाइड करने के लिए। अब बच्चों इसके बाद जो आपके पेपर्स आते हैं जो स्पेशली है ग्रुप 2 के अंदर, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या आपका एक 6th पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स ये ऐसे पेपर्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल पेपर है। और इन दोनों ही सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे यहां करवाते हैं जो सबसे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं हम सारे ही आरकेजी फैकल्टी मेंबर्स के बीच में, सीएमए अली सर। यानी कि वो खुद एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, और वही आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे। तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, तो मैं चाहूंगा अली सर को कि प्लीज वो यहां पर एक बार बच्चों के लिए आएं और बच्चों को प्लीज गाइड करें और इन दोनों पेपर्स का पूरा पैटर्न समझाएं कि किस तरह से आप तैयारी करवाने वाले हैं। थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया इसके, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को सभी कुछ बता दिया है हमारी बाकी फैकल्टी ने, तो आपको सबसे पहले मैं अपने बात बता दूं, मैं हूं सीएमएल नकवी, कॉस्टी में स्पेशलाइज और एफएम में स्पेशलाइज स्पेशली, और बहुत से बच्चे मुझे जानते भी हो जो पढ़ते हैं फाउंडेशन मुझसे मैथ्स। तो यहाँ पे बेटा मैं कॉस्टिंग में और एफएम में स्पेशलाइज हूँ, और आपका जो पेपर नंबर देखा जैसे दिख रहा है ग्रुप 2 के अंदर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एसएम, ये पेपर बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बेटा ये पेपर जो है बहुत ही प्रैक्टिकल पेपर है और बहुत ही रियल लाइफ से बेस्ड पेपर है। पहले मैं कॉस्टिंग की बात करता हूं। देखिए आप लोगों को कॉस्टिंग हर जगह एप्लीकेबल होती है, बट आप रियल चीज में पहचान नहीं पाते। कैसे, मैं बताता हूं आपको। आप मेट्रो से ट्रेवल करते हो, टैक्सी से ट्रेवल करते हो, बस से ट्रेवल करते हो, कभी आपने जानने की कोशिश की है दोस्तों कि वो मेट्रो वाला, वो टैक्सी वाला, वो बस वाला हमसे कैसे पैसे चार्ज करता है? ठीक, वो हम इस कॉस्टिंग में सीखेंगे दोस्तों। दूसरी बात, कभी आपने देखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, जितनी भी इंडस्ट्री होती है, गुड्स बनाती हैं, गुड्स बनाने के बाद वो कॉस्ट कैसे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करती हैं, कैसे उसमें अपना मटेरियल लेबर ऐड करती हैं, ये हम बेटा पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर। बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर। इसमें एक खास बताता हूं आपको एक बात, ये पेपर बेटा, इस पेपर में आपको नजर आएगा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट, इस पेपर के अंदर बेटा आपको नजर आएगा मैथ्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा, और इस पेपर में बेटा आपको नजर आएगा इसका मतलब अकाउंट का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये जो पेपर है बेटा मिक्सचर है, मैथ्स इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स तीनों का मिक्सचर है बेटा ये पेपर। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजा आने वाला आपको मेरे साथ पढ़ने में, मैं वादा करता हूं डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा और आप बहुत खुश होंगे, रियल चीजें बिल्कुल बताई जाएंगी इसके अंदर। अब इसके बाद पेपर नंबर 2 जो आता है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बारे में तो मैं क्या कहूं, ये सबका चहेता सब्जेक्ट क्यों होता है, क्योंकि हर कोई बनना चाहता है राकेश झुंझुनवाला, मतलब वो चाहता है कि मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज हो जाए, वो चाहता है कैसे मैं कंपनी को चलाऊं, कैसे मैं अपने इक्विटी शेयर को पैसा कैसे लूं, डिवेंचर से कैसा पैसा लूं, ये सारा अरेंजमेंट हम सिखाए जाएंगे
करेंगे इसके अंदर जब मैं आपको एफ एम पढ़ाऊंगा बेटा, तो आपको एक फायदा ये होगा कि आपको थोड़ी बहुत शेयर मार्केट की नॉलेज भी मिलेगी इसके अंदर, आपको इन्वेस्ट करने के तरीके भी बीच में जो प्रैक्टिकली इस बार मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक बेटा। तो ये पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इन दोनों पेपर के अंदर सबसे खास बात क्या है कि ये पूरे के पूरे पेपर प्रैक्टिकल बेस पेपर है, ठीक है। इसमें आपके 100 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं, कि थ्योरी पोर्शन बहुत कम होता है इसके अंदर, और जो थ्योरी भी आती है वो चॉइस में आती है। अब इस पेपर को आईसीआई ने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले पेपर पूरा 100 नंबर का प्रैक्टिकल पेपर था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। अब आईसीआई ने सीएमए के बेस पर, जैसे सीएमए में इंटर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, वैसे सीए इंटर में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, और ये 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे और 70 नंबर के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये दोनों में ही है बेटा, एफएम के अंदर और आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, दोनों के अंदर। अब मैं आपको इसके एक बात बताता हूं, ये जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, इसमें बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना मतलब पेपर का एप्लीकेशंस को बढ़ा देना है, क्योंकि जितना ज्यादा डीपली स्टडी हो तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर्स दे पाओगे। इसीलिए अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखो सभी पेपर के बारे में, इस बार आईसीए ने क्या किया है, हर पेपर के अंदर नॉलेज बेस को कम रखते हुए ज्यादातर एनालिसिस एप्लीकेशन बेस पे फोकस किया गया है। अगर मैं बात करूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर की, तो 20-30 मतलब लोअर लिमिट 20% और अपर लिमिट 30%, मतलब 30% मैक्सिमम नॉलेज बेस्ड है, और बाकी अगर देखो बेटा तो ये 70-80% एप्लीकेशन बेस्ड है, और एप्लीकेशन बेस के लिए आपको डीपली नॉलेज पढ़नी पड़ेगी, एक एक केस को स्टडी करना पड़ेगा रियल लाइफ से जोड़ते हुए। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये पेपर आपको गुड मार्क्स दिलाएगा, और आपकी एग्जामिनेशन हर किसी बच्चे की आती है अगर थोड़ा भी पढ़ता है, लेकिन पेपर का इस बार स्टैंडर्ड अप कर रही है आईसीआई। इसलिए दोस्तों हमारे आरके जी पूरी टीम ने इस बार जो स्टडी मटेरियल जो बनाया है वो इसी बात को ध्यान रखते हुए कि ज्यादातर एप्लीकेशन बेस पे फोकस किया जाए, क्योंकि आईसीआई अपना स्टैंडर्ड लेवल बढ़ा रही है। जैसे सर ने बताया कि अब अकाउंट्स जो है बीकॉम लेवल से मैच नहीं करता, अब वो ए ज्यादा आएंगे। इसी तरह से बेटा जो कॉस्टिंग आपके बीकॉम में आती थी, मैच तो वही इस पेपर है, सेम नेम है, लेकिन वो एप्लीकेशन बेस्ड आएगी, जो बीकॉम में आप कर ले करते थे 2-4 क्वेश्चन करके पास, नहीं, अब बेटा इंटर के अंदर कॉस्टिंग के अंदर एप्लीकेशन बेस पेपर बना रहा है। तो इसके तैयार हो जाओ, इसके पूरे सिनेरियो के लिए इन सभी सब्जेक्ट के जो भी आपके एक्सपर्ट टीचर्स हैं, उन्होंने बेटा बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करवा रहे हैं आप लोगों को। और एक बार बताऊं, हर टीचर ने आपका स्टडी मटेरियल इस तरह से तैयार किया है, आरके जी पूरी टीम ने मिलकर के बहुत एफर्ट लगा कर, जिससे कि आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ेंगे और हम आप लोग के साथ अच्छे से पढ़ाएंगे, बस यही है, और जुड़ के हम लोग तैयारी करेंगे। बाकी आप इस पे फोकस जरूर कीजिएगा कि एप्लीकेशन बेस एनालिसिस प्लीज फोकस कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे जल्द ही। जैसे कि बच्चों आपने अपने सारे ही फैकल्टीज के साथ कर ली मुलाकात और देख लिया कि कैसा पेपर आने वाला है और किस सब्जेक्ट में क्या है, कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं बच्चों। जितने भी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन में स्टडी करना चाहते हैं, तो बच्चों आपके लिए हमारे पास हॉस्टल की सुविधा भी अवेलेबल रहती है, लेकिन हॉस्टल के लिए आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि हॉस्टल की हमारी सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं, और ऑलरेडी हमारे यहाँ हॉस्टल की सीट्स लगभग 75% ऑक्यूपाइड है एट प्रेजेंट। तो अगर आपको अपनी सीट्स बुक करनी है या हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी पूछनी है, तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9910993663। ये हमारे आरकेजी कोऑर्डिनेटर का ही नंबर है, हॉस्टल कोऑर्डिनेटर का नंबर है, आप फोन या व्हाट्सएप पे इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल से रिलेटेड, चाहे आपको बॉयज हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, किसी भी तरह के हॉस्टल की रिक्वायरमेंट हो, तो आप यहां पर एक बार अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन के लिए बच्चों हमारे एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, ऑफलाइन में भी लिमिटेड सीट्स हैं हमारे बैच के अंदर, तो जिसके लिए आपको अपनी सीट का रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। सीट रिजर्वेशन करने के लिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, यहां पर आप एक यूपीआई आईडी देख रहे हैं या फिर जिसका मैंने क्यूआर कोड भी यहां पर लगा रखा है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर इस यूपीआई आईडी पर अपने 2000 रुपीज की पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इस नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, और आपके लिए जो हमारी पूरी बुक की किट है
यानी कि हमारा जो पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है वो लॉक हो जाएगा। एंड ये 2000 रुपीज जो आप अपने फीस के डिपॉजिट करेंगे ये आपकी टोटल फीस में एडजस्ट भी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है उन सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पूरी तैयारी ऑफलाइन बैच में करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं उसके लिए करना है सिर्फ आपको एक बहुत ही छोटा सा काम, आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन पर जाना है, वहां पर आपको आपका वेरियस कोर्स नजर आ जाएगा सीए इंटर मई 2024 के नाम से, जिसमें मिलने वाले हैं आपको हमारी तरफ से सारी की सारी लाइव क्लासेस। और हाँ, सबसे मजेदार बात, आपको अभी से उसके कंटेंट के अंदर मिलेंगे बहुत सारे फ्री डेमो लेक्चर्स, तो आप उन डेमो लेक्चर्स को जाकर देखिए, सब्जेक्ट्स का आइडिया लगेगा, आपको पता चलेगा कि क्या है सब्जेक्ट, टीचर्स कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ऐप का नाम है आरकेजी सीए क्लासेस, तो बस आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है। तो ये था बच्चों हमारी तरफ से आपके लिए इस वीडियो के अंदर, और हमारी पूरी आरकेजी की टीम आप सभी बच्चों के सक्सेस के लिए कमिटेड है। और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे स्क्रॉल में जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से और हमारी पूरी आरकेजी की टीम की तरफ से आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट।